इस एसी का सर्विस करने के लिए अभी हम सुपौल में आए हुए हैं। ये एसी जो है ना ठीक ठाक कूलिंग कर देता है, रूम को ठंडा कर देता है, लेकिन इसके अंदर जो है सर्विस का जरूरत है। अगर इसके अंदर अभी सर्विस नहीं करेंगे तो हो सकता है हफ्ता 10 दिन के बाद जो ये एसी कूलिंग करना बंद कर दे या कम कूलिंग करे। ऐसा हम क्यों बोले, सामने में उदाहरण देख लीजिए, आउटर यूनिट का ये कॉइल है, देखिए इस तरफ से तो ये कम गंदा दिख रहा है लेकिन अंदर में घुसा हुआ है पूरा, ठीक है, और सामने से तो आपको साफ ही सुथरा दिखेगा। और इनके जस्ट पीछे का कॉइल देख लीजिए आप, पीछे तो एकदम पूरा चौक पड़ा हुआ है, देखिए ये देखिए कितना गंदगी इसके अंदर भरा हुआ। अब बताइए कि हफ्ता 10 दिन के बाद ये ट्रिप कर जाता। ये एसी देखिए लोड कितना लेकर के चल रहा है, देखिए 11 एम्पियर ले रहा है, देख रहे हैं, मतलब गंदा एसी जो कूलिंग भी कम करेगा बिजली भी ज्यादा खाएगा, ये सीन है इसके अंदर। चलिए फटाफट सर्विस करते हैं इनका। अब इनका कूलिंग कॉइल देखिए ऊपर ऊपर से कम गंदगी दिख रहा है लेकिन इसके अंदर जो घुसा हुआ है, बोल रहे हैं कि एक आध बार जो है नॉर्मल सर्विस भी कराए थे हम, ब्रश से नहीं पोछ पाछ करते हैं वो वाला सर्विस, बताइए ब्रश से तो आधा निकलता था, घुस ही जाता अंदर में। अब हम आ चुके हैं आउटडोर यूनिट के पास, तो सबसे ज्यादा गंदा तो भैया आउटडोर यूनिट इनका। चलिए बढ़िया तरीका से इसका गर्दा उड़ाते हैं।